देवघर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सोमवार और मंगलवार को आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। इंटक एटक सीटू एचएमएस से एक्टू सहित अन्य श्रमिक संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल किया है। दावा किया जा रहा है कि पूरे देश भर में 60 लाख से अधिक कामगार हड़ताल पर हैं। हम लोग का मांग, मुख्य मांग है हमारी ओल्ड पेंशन। दूसरी मांग है हम लोगों का कि कर्मचारी विरोधी नीति सरकार अपना रही है और ये निजीकरण जो हर सेक्टर को निजीकरण एक एक करके निजीकरण कर रही है और स्टाफ की कमी, काम पर काम लादे जा रहे हैं। हमारे कार्य अवधि तय किया जाए, कोई उपडा घर में जैसे कार्यरत है उसे उसका लिंक का समस्या रहता है और वो 8 बजे 9 बजे रात तक काम करते रहते हैं। ये सभी मांगे हैं हम लोगों का। नाम बताइए अपना। रंजीत कुमार मंडल, उपडाकपाल सरैया। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग हड़ताल पर? हम लोग आज समस्त बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, सड़क पर हैं। उसका मुख्य मुद्दा है कि बैंक का जो निजीकरण हो रहा है या होने जा रहा है, ये सरासर आम नागरिक के साथ धोखा है। आम नागरिक का जो पैसा है उसका ये मिसयूज है। बैंक का जो ब्याज दर है, हम आम नागरिक पैसा रखते हैं बैंक में, एफडी करते हैं, रेकरिंग करते हैं, उसका ब्याज दिन पर दिन घटते आ रहा है। उससे आम नागरिक के जो जमा पूंजी है उससे बड़ा असर पड़ता है। जैसे वृद्ध लोग हैं वो पैसा रखते हैं, 2 पैसा उससे आएगा, ब्याज आएगा, ब्याज दर दिन पर दिन कम हो रहा है, उनकी जो आजीविका है उस पर हानि पहुँचती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना चाहिए। आज नए लड़के वो बैंक में आ रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, एनपीएस दिया जा रहा है। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था काफ़ी राज्यों में लागू हो रहा है, तो ये बैंक में भी होना चाहिए। यही सब बातों को लेके 2 दिन के लिए बैंकर भी इस टाइप में है। LIC को प्राइवेट किया जा रहा है, जो संस्था लाभ में है उसे भी निजीकरण किया जा रहा है। ये तो सरासर आम जनता के साथ धोखा है, इसी वजह से ये स्ट्राइक हो रहा है। AIB और BEBI दो संगठन, AIOBE के द्वारा ये स्ट्राइक है। क्या नाम हुआ? पद बता दी। मनीष कुमार राय, एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी BEBI।